नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दीपराज चंद्राकर और मैं आपके साथ आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आया हूं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो इस सिचुएशन से गुजरते हैं। प्यार मोहब्बत जिंदगी में तो आता ही है ना यार, चाहे वो एक तरफा हो या दोनों तरफ से। बशर्ते ये है कि इस सिचुएशन में आप अपने प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाते हैं, अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाते हैं, आप अपने लाइफ पे कैसे फोकस करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर मैं कहूं कि यार एक रिलेशनशिप में है, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपके बॉयफ्रेंड है, ठीक है, मैकेनिकल वाले ये रोना मत रोना कि सर हमारी तो है ही नहीं। अरे भैया, जीवन में एक तरफा प्यार तो किया है ना, कि वो भी नहीं हुआ है, आकर्षित तो हुए होगे ना कभी। अच्छी बात है कि अभी तक नहीं है, जिनके जीवन में नहीं है अच्छी बात है, और जिनके जीवन में है इसका ये मतलब नहीं है कि बुरी बात है। बुरी कब हो जाती है उसी के बारे में मैं आज आपके सामने चर्चा करता हूं। देखिए, मुझे जो सिचुएशंस दिखते हैं, जब आप रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो उस समय जो बातें होती हैं वो इस तरीके से होती है कि यार हम जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। बड़ी बड़ी बातें होती है कि अगर प्रिपरेशन करने का प्लान रहेगा तो तुम भी प्रिपरेशन करो, तुम भी प्रिपरेशन करो। सेम फील्ड के रहेंगे तो दिक्कत नहीं होने वाला उतना, लेकिन अगर फील्ड अलग अलग है तो वो अपना सपना देखेंगे, वो अपना सपना देखेंगे कि हाँ भाई अपन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे काम करेंगे इस तरीके से। तुम भी एकदम सपने में खोए रहोगे कि हाँ वो तो करने वाली है, मैं भी इस तरीके से करूंगा कुछ जीवन में, अच्छा इस मुकाम पे पहुंचूंगा, इतने सालों के बाद गाड़ी होगी, घर होगा, इस तरीके से आप नौकर चाकर ये सब सोचना शुरू कर देते हैं, सपने देखना शुरू कर देते हैं और उसी चक्कर में लगे रहते हैं। वो सपने देखते रहते हैं और बात करते रहते हैं, उसी सपने को दोहराते रहते हैं। एक्चुअली उस सपने को पूरा करने के लिए जो मेहनत आपको करना है वो भूल जाते हैं। मेहनत तो करना है ना भाई, सिर्फ सपने देखने से या बात करने से या बाबू ने खाना खाया कहने से काम नहीं बनेगा। खाना खाने के लिए आपको यहां चलाना पड़ेगा। जरूरी ये है कि आप एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ भाई आपने बात किया, बहुत अच्छी बात है कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, ये बात हो गई। अब इसका ये नहीं है कि तो फिर से 1 घंटे बाद कुछ मैसेज आ गया। देखिए, दोनों पक्षों में से एक पक्ष तो कमजोर होता है रिलेशनशिप, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, एक पक्ष कमजोर होता है। कुछ केसेस में दोनों पक्ष कमजोर होते हैं, दोनों पक्ष स्ट्रांग, बहुत रेयर केस है कि भाई दोनों जो सोचे हैं, जो अपने करियर के लिए सोचते हैं उस पे काम करे, ये दोनों पक्ष है ना स्ट्रांग हो, ऐसा नहीं है, ऐसा करे ऐसा नहीं है, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं। दोनों में से एक पक्ष कमजोर होता है जो कि बोलेगा, 1 घंटे बाद ही वापस से उसका कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा कि भाई ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या इस तरीके से, या मिलने आए, यहां घूमे, ये करे। सो दोस्तों, ऐसे तो तैयारी नहीं हो सकती, ना ही ऐसे आप जो सपना देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो पूरा हो सकता है। जरूरी ये है कि इसके लिए मेहनत करो। देखो, ऐसे बहुत उदाहरण है जिनके जीवन में गर्लफ्रेंड रहे हैं और उनका लाइफ आगे बढ़ा। मैं खुद उनमें से एक रहा हूं। देखो, मोटिवेशन तक ठीक है, लेकिन दोनों अगर अलग 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 फील्ड में, मेरे केस में क्या था, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, अभी वाइफ है, तो मेरे केस में यह था कि उनका, वो भी इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करती हैं और उनका ब्रांच अलग था, लेकिन हम तैयारी जो कर रहे थे कॉमन कर रहे थे। सो वो अपना पढ़ती थी, मैं अपना पढ़ता था, हमारा कंपटीशन इस तरीके से होता नहीं था। अगर सेम फील्ड से बिलोंग करते तो मुझे लगता है कि नॉर्मल जो बातें होती वो ज्यादा बातें होती, हम लोग टेक्निकली बात ज्यादा करते, हम लोग क्वेश्चंस पे ज्यादा बात करते, अगर सेम फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो वो आसान हो जाता, मुझे ये मेरी फीलिंग है।
जो इस दौर से गुजर रहा होगा और वो ज्यादा बेहतर समझेगा। और मुझे लगता है कि यस ये करना चाहिए, अगर सेम फील्ड से आप बिलोंग करते हैं तो आप अपने करियर के बारे में ज्यादा बातें कीजिए, वहीं से ही थॉट निकल के आता है, वहीं से ही आपको चीजें समझ में आती है कि यार अभी तो मेहनत करना अभी बहुत बचा है। आपस में होगा ही होगा, आप लोगों का दोस्तों का ग्रुप होगा, नहीं है तो होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपके सिलेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि आपको जैसे जो दूसरा पक्ष जो वीक है वो उसका स्ट्रांग होना मुश्किल है, तो जो पक्ष है स्ट्रांग है ना, जिसको समझ में आता है कि यार ये टाइम वेस्ट हो रहा है कि हर 10 मिनट में मैसेज आ जाना, हर 1 घंटे में मैसेज आ जाना, ये टाइम वेस्ट कर दे रहा है, रिदम को ब्रेक कर रहा है, मेरे साथ साथ उसका रिदम भी ब्रेक हो रहा है, वो भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, सो बेहतर है जो पक्ष स्ट्रांग है वो डिसीजन लो। वो दो तरीके के डिसीजन ले सकते हो, उसको समझाओगे तो मुझे नहीं लगता कि उतना कोई इम्पैक्ट होगा। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग वहां पे डिसीजन लेना रहेगा कि रिप्लाई मत कीजिए, एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, हालांकि उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिलेशनशिप में, सो वैसे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला अगर वो बार बार मैसेज आ रहा है, तो वैसे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला। अरे रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में होना बहुत अच्छी बात है पहले में, लेकिन उसके पॉजिटिव चीजों को निकालना इतना आसान नहीं है। मैं जब था रिलेशनशिप में उस समय जैसे तबीयत खराब हुई, वो एक कंसर्न रहता है कि हाँ भाई दवाई खाए कि नहीं, इस तरीके से उनका मैसेज आता था या कॉल आता था। एक दो बार मैंने इंटरटेन किया, एक बार बोला हाँ, ऐसे 2-3 बार जब केसेस हुए तो मैंने बोला आप नहीं बोलोगे तब भी मैं दवाई खा लूंगा, आप नहीं पूछोगे तब भी मैं खाना खा लूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों के लिए आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूं, जीवन जहां ले जाएगा वहां चलेंगे, अभी ये जो मोमेंट है ये जर्नी है उसको एंजॉय करेंगे, ये मेरे वचन रहते थे। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो बातें मैंने बताई है वो आपका हेल्प करे और आपके प्रिपरेशन में मदद करे। मैं यही कहूंगा जो स्ट्रांग पार्ट है उसको स्टेप लेना रहेगा थोड़ा सा आगे बढ़ के कि हाँ इस पर्टिकुलर इस टाइम को एंजॉय करो, आप इस जर्नी को एंजॉय करो, आप अपने करियर पे फोकस करो, ये नहीं है कि आप उनके साथ लगे हो उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो, लास्ट में जाके सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आप वो जो प्रीशियस चीजें है ना उसको खत्म करने में लगे हुए, जो आपके जीवन की प्रीशियस चीजें आप जो सोचते हैं सपना देखते हैं उसको खत्म करने में लगे हुए। ये चीजें आप अवॉइड कीजिए, जो जो मैंने बोला है उसमें से जो पॉइंट आपको लगता है इंप्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में और लगा दीजिए जान। देखो जिंदगी बनने के बाद मतलब अच्छा करने के बाद ऑटोमेटिकली चीजें बदल जाती है, बहुत बड़ी लाइन बोली है मैंने, जो समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो भी अच्छी बात। चलिए यहीं पर विराम दूंगा, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।